हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको हिंदी सब्जेक्ट में क्या करवाया था? क्वेश्चन आंसर। ओके, अब हम आपको उसके आगे क्या करवाएंगे? पर्यायवाची शब्द। ओके, सो प्लीज एवरीवन लुक एट द बोर्ड। देखिए, पार्ट दो में आज हमें क्या करना है? दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है। ये जो बॉक्स में जो शब्द दिए हुए हैं, इसमें से हमको क्या करना है? पर्यायवाची शब्द चुनकर के लिखना है। किसके पर्यायवाची लिखना है? इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द यहाँ से चुनकर हमें लिखना है। ओके, तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, सभी को पता है क्या? चलिए हम बताते हैं कि एक समान अर्थ देने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द, या उन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जो शब्द है वो समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसे पर्यायवाची शब्द को हमें इसमें से ढूंढना है। ओके, चलिए, ये क्या लिखा हुआ है? नेत्र। और नेत्र मीन्स क्या होता है? नेत्र मीन्स होता है आंखें। सभी को पता है ना, नेत्र मीन्स आंख होती है। ओके, तो बच्चों, अब यहाँ से हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम शब्द चुनेंगे कि नेत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सबसे पहले देखिए, ये लिखा है सुबह। नेत्र का पर्यायवाची सुबह होता है क्या? नो, परिवर्त होता है नहीं। ये क्या लिखा है? आंख। तो हमने क्या बताया कभी कि नेत्र का पर्यायवाची क्या होता है? आंख। तो ये लिखा है आंख, तो हमें यहाँ पर आंख लिखना है। हमें नेत्र के दो दो पर्यायवाची लिखना है ना। तो एक हमने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, चुनते हैं। ये लिखा है हवा। हवा होता है क्या? नहीं। वायु होता है क्या? नहीं होता। ये क्या लिखा है? नयन। तो नेत्र को और क्या बोलते हैं? नयन बोलते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? नयन। ओके, चलिए नीचे देखिए, ये क्या लिखा है? पवन। क्या लिखा है? पवन। पवन, पवन मीन्स क्या होता है? सभी को पता है हवा। हवा सबको दिखती है क्या? नहीं, हवा को सिर्फ क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो पवन मीन्स क्या होता है? हवा, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ कहीं हवा दिख रहा है लिखा हुआ? ये लिखा है हवा, है ना। तो हमें क्या लिखना है यहाँ? हवा। और क्या लिखते हैं? और क्या होता है पवन मीन्स? वायु। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? वायु। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट शब्द ऊषा। ऊषा मीन्स क्या होता है? क्या होता है ऊषा मीन्स? ऊषा मीन्स सुबह, है ना। जो सुबह का जो समय होता है इसे ऊषा काल कहते हैं। और क्या बोलते हैं? प्रातः काल। तो देखिए, इस बॉक्स में कहीं आपको दिख रहा है क्या ऊषा का पर्यायवाची शब्द? ये क्या लिखा है? सुबह। तो हमें क्या लिखना है यहाँ? सुबह। सुबह, सुबह। और क्या होता है? पर्वत होता है क्या? नहीं। फिर आगे देखिए, क्या लिखा है? पहाड़। पहाड़ होता है क्या? नहीं होता। ये क्या लिखा है? प्रातः। तो हमें क्या लिखना है? उषा का पर्यायवाची प्रातः। ठीक है, उषा का पर्यायवाची सुबह और दूसरा होगा प्रातः। अब देखिए नीचे क्या लिखा है? ये गिरी। और गिरी मीन्स क्या होता है? बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, है ना। तो देखिए, इस बॉक्स में कहीं लिख रहा है क्या? ये है सुबह, ये नहीं होता। ये क्या लिखा है? पर्वत। तो हमें क्या लिखना है? गिरी का पर्यायवाची में पर्वत, ये लिख दिए। अब नेक्स्ट देखिए, कहीं लिख रहा है क्या? आग, हवा, नहीं। वायु, ये भी नहीं होता। नयन, ये भी नहीं। अब ये क्या लिखा है? पहाड़। तो गिरी का
पर्यायवाची संघ दूसरा वाला क्या होगा? पहाड़। ओके तो बच्चों सभी को समझ में आया ये कि ये जो शब्द दिए हुए हैं इसको हमें बॉक्स से चुन करके इनके दो दो पर्यायवाची संघ हमें यहाँ पर चुनकर लिखना था और ये हमने आपको बता दिया। तो सभी को समझ में आया, नेत्र को आंख और नयन बोलते हैं, पवन को हवा और वायु बोलते हैं, उषा का मतलब सुबह और प्रातः होता है, और गिरी का मतलब पर्वत और पहाड़। ओके ये हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द आपको चुन करके सही का चिन्ह उसमें लगाना है। ये बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है, सर्वनाम शब्द को चुन करके उसमें सही का निशान लगाना है। ठीक है तो बच्चों आप लोगों को सर्वनाम शब्द मालूम है, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम मतलब कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे आपके क्लास में किसी का नाम संज्ञा है ना, तो हम संज्ञा के बारे में चार लाइन बताते हैं आपको कि संध्या बहुत अच्छी लड़की है, संध्या डेली स्कूल आती है, संध्या हम डेली होमवर्क करती है। तो बार बार जो संध्या शब्द आ रहा है हम उसे बार बार संध्या ना बोल करके हम उसे क्या बोलेंगे कि वह पढ़ने में बहुत तेज है ना। तो वह जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम। ओके तो संध्या के जगह में जो वह शब्द लगा वह क्या कहलाएगा, सर्वनाम। ठीक है तो हमको इन शब्दों में से सर्वनाम जो शब्द हैं उनको हमें टिक करना है, चूज देख करके सही का निशान लगाना है। मोहन, मोहन क्या सर्वनाम है क्या? नहीं, मोहन क्या है, संज्ञा है। वह, ये जो वह लिखा है वो क्या होगा, सर्वनाम। अभी हमने बताया थे ना कि संध्या एक अच्छी लड़की है, वह डेली स्कूल आती है, तो जो वह होगा वो क्या होगा, सर्वनाम। अब ये लिखा है हम, लंबा और राजा, ये तीनों में से कौन सा शब्द होगा सर्वनाम, जो हम शब्द है वो क्या होगा, सर्वनाम। नीचे देखिए रजत, रजत किसी लड़के का नाम है, मेरा और सोना, तो सोना और रजत दोनों नहीं होगा, ये जो मेरा जो शब्द लिखा है वह क्या होगा, सर्वनाम शब्द होगा। ये लिखा है शोभा जो कि एक संज्ञा का नाम है, संज्ञा है। ये लिखा है अजय, ये भी संज्ञा है, लेकिन ये जो तुम्हारा लिखा है वो क्या होगा, एक सर्वनाम शब्द है। ओके तो इसलिए हमने इसमें क्या किया, राइट किया, है ना। तो सभी को समझ में आया कि सर्वनाम शब्दों को चूज करके हमें उसमें सही का निशान लगाना था, है ना। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया, गुड। तो आप लोग भी अपने नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में इसे क्या करेंगे, सभी लोग अपने नोटबुक में इसे राइट करेंगे और मुझे आप लोग दिखाएंगे। ओके और साथ साथ में आपको पढ़ाई भी करना है और ये सब चीजों को लर्न करना है, क्योंकि फिर मैं आपको बाद में पूछूंगी। ओके बाय बच्चों, थैंक।